नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया रूप तेजी से फैल रहा है, जो भारत में भी प्रवेश कर चुका है। खतरनाक वायरस से निपटने के लिए कोरबा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही कोविड अस्पताल और कर्मचारियों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के आगमन से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में वायरस का नया वेरिएंट पाया गया, जो धीरे धीरे फैलते जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर इसी को माना जा रहा है। यही वजह है कि स्वास्थ्य अमला अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुट गया है। कोरबा का स्वास्थ्य विभाग नई चुनौतियों से निपटने को पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कोविड अस्पताल के रूप में ESIC का अस्पताल पूर्व की भांति तैयार है। वहीं पॉजिटिव मरीजों के मिलने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग का कार्य भी लगातार जारी है। वहीं कर्मचारियों की भी कमी को पूरा किया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए अवतार को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जनता को भी सजग रहने की काफी जरूरत है। मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही एहतियात के अन्य उपायों को अपनाने की बेहद जरूरत है, तभी इस खतरनाक बीमारी से निपटा जा सकेगा। उसके लिए जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? ऑक्सीजन हो गया, बेड हो गए, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? कोरबा जिले के अंतर्गत हमारा जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। हमारा ESIC का जो यूनिट है वो पूरी तरीके से फंक्शनल है, और जो हम लोग के जिले में जो टेस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चालू है। जो पॉजिटिव मरीज आते हैं उन लोग का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हम लोग कर रहे हैं, और अभी ऐसी कोई विशेष बात हमारे जिले में नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं। स्टाफ भी पर्याप्त है। हमारा जितना भी स्टाफ है वो ट्रेंड है, प्रशिक्षित लोग हैं। जैसा कि सेकंड लेयर में जिन लोगों ने काम किया वो सारे के सारे प्रशिक्षित लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।